दोस्तों, हमारे इंडियन टेलीविज़न पर ऐसे काफ़ी माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल शो आई हुई है जहाँ पर हमारे पसंदीदा अभिनेत्रियों ने राजकुमारी या फिर रानी के किरदार को खूबसूरती से निभाया है। आज हम इस वीडियो में उन शो पे निभाने वाली अभिनेत्रियों की किरदार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और इसको बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था भेदवीना आर्या ने। थैंक्स टू भेदवीना। दोस्तों, मैं माफ़ी मांगती हूँ, इस वीडियो पर हमने सभी अभिनेत्रियों की द्वारा पेश किया गया रानियों के किरदार को नहीं ले पाया। अगर लेती तो वीडियो लंबी हो जाती, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं देवों के देव महादेव पर, जहाँ पर मौनी रॉय को ऐसा राजकुमारी सती के रूप में दिखा गया और सोनालिका भदौरिया को भी ऐसा राजकुमारी पार्वती के रूप में दिखा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ महाकाली आंधी आरंभ है पर, जहाँ पर पूजा शर्मा ने निभाया राजकुमारी सती और पार्वती की किरदार को। अब हम चलते हैं अलादीन, नाम तो सुना होगा पर, जहाँ पर पहले अपनीत कौर को दिखाया गया राजकुमारी अजमीन की लुक्स में, उसके बाद उनको रिप्लेस किया आशीष सिंह को भी अजमीन की लुक्स में दिखाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्र नंदिनी पर, जहाँ पर श्वेता बसु प्रसाद ने निभाया रानी नंदिनी की किरदार को। अब हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी पल्लव इतिहास भी रहस्यभी में, जहाँ पर सोनालिका भदौरिया ने निभाया मृणाल भाती की किरदार को। अब हम आगे बढ़ते हैं विक्रम बेताल की रहस्य गाथा पर, जहाँ पर इशिता गांगुली को दिखा गया रानी पद्मिनी की किरदार पे और पियाली मुंशी को दिखा गया महारानी जक्कला की किरदार में। अब हम आगे बढ़ते हैं दास्ती मोहब्बत सलीम अनारकली की ओर, जहाँ पर सोनालिका भदौरिया को दिखाया गया अनारकली के किरदार में। अब हम आते हैं राजिया सुल्तान पर, जहाँ पर पंखुई अवस्थी को दिखाया गया राजिया सुल्तान के किरदार में। अब हम आते हैं सूर्यपुत्र कांड पर, जहाँ पर प्रिया भतीजा ने निभाया कुंती के किरदार को और पंखुई अवस्थी ने निभाया द्रौपदी के किरदार को। अब हम आते हैं जोधा अकबर पर, जहाँ पर परिधि शर्मा ने निभाया जोधा बाई की किरदार को। आगे बढ़ते हैं जी टीवी 2009 पर टेलीकास्ट हुआ शो झांसी की रानी पर, जहाँ पर कृतिका सिंगार ने निभाया रानी लक्ष्मी बाई की किरदार को। अब आगे बढ़ते हैं कलर्स टीवी 2019 पर टेलीकास्ट हुआ शो झांसी की रानी पर, जहाँ पर अनुष्का सेन ने निभाया रानी लक्ष्मी बाई की किरदार को। अब आगे बढ़ते हैं पौरुष की तरफ, जहाँ पर राति पांडे ने निभाया अनुशुआ के किरदार को, सुहानी धानकी ने निभाया लच्ची के किरदार को, रिया दीपसी ने निभाया बरसिनी की किरदार को। अब आगे बढ़ते हैं चक्रवर्ती अशोक सम्राट पर, जहाँ पर काजल श्रीवास्तव ने निभाया देवी की किरदार को, सौम्या सेठ ने निभाया कौरा की किरदार को, पल्लवी सुभाष ने निभाया धर्मा की किरदार को। अब आते हैं सिया के राम पर, जहाँ पर माधिराक्षी मांडे ने निभाया सीता की किरदार को। आगे बढ़ते हैं कर्ण संगिनी पर, जहाँ पर तेजस्वी प्रकाश ने निभाया उर्वी की किरदार को। अब आगे बढ़ते हैं स्टार भारत के मशहूर शो राधा कृष्ण पर, जहाँ पर झलक देसाई ने निभाया राजकुमारी और रानी रुक्मिणी की किरदार को। अब आते हैं राम सिया के लपकुश पर, जहाँ पर सिविया पठानिया ने निभाया सीता की किरदार को। अब आते हैं स्टार प्लस पर मशहूर शो महाभारत पर, जहाँ पर रिया दीप्सी ने निभाया गांधारी की किरदार को, सफक नाच ने निभाया कुंती की किरदार को, पूजा शर्मा ने निभाया द्रौपदी की किरदार को, वेवा आनंद ने निभाया सुभद्रा की किरदार को, पल्लवी सुभाष ने निभाया रुक्मिणी की किरदार को। तो दोस्तों, यही तक थी हमारी वीडियो। वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लौटेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय।